जिसके अंदर हमें एक बहुत बड़ी सिटी के साथ हर टाइप के सुपर कार्स से लेके हर टाइप की सुपर बाइक्स तक देखने को मिल जाए, वो भी बिल्कुल फ्री एक्सपीरियंस एंड हाई ग्राफिक्स के साथ। एंड क्या हो, इन सारी चीजों के साथ तुम लोगों को उसके अंदर बिल्कुल ही ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड एक फुली वर्किंग स्टेशन एंड ट्रेन देखने को मिल जाए। एंड हाँ, कुछ फ्लाइंग व्हीकल्स के साथ एयरपोर्ट भी। ऐसा गेम तो एंड्रॉइड फोन में इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल सही लगता है, बट फाइनली इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी गेम में हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। फिर चाहे वो सिर्फ एक कॉल लगाने से अपने सामने मॉन्स्टर ट्रक जैसे व्हीकल्स को स्पॉन करवाना हो, या फिर इस गेम के अलग अलग चैलेंजेस को कंप्लीट करना हो, इस गेम में हमें ऐसे ही काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। एंड शायद यही रीजन है कि मेरे जैसे 50 मिलियन प्लस लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी गेम को रोज प्ले करके उसके अमेजिंग चैलेंजेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि तुम लोग यहां पे देख सकते हो, मुझे मिला है ये वाला कैरेक्टर। एंड ये बड़ा सा घर भी हमें इस गेम के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसके पीछे एक गैराज भी है। एंड जितना कूल ये घर अंदर से लगता है, उतना ही बाहर से भी लगता है। एंड इस घर के बाहर निकलते ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे इतनी बड़ी सी सिटी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हम लोग फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं। एंड इस गेम में हमारे कैरेक्टर के पास एक मोबाइल फोन भी देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके हम लोग अपने गेमिंग कैरेक्टर के कपड़े भी चेंज कर सकते हैं एंड और भी काफी कुछ कर सकते हैं, जो कि मैं तुम लोगों को वीडियो के आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस फोन में कुछ सिंपल से कोड्स डायल करके अपने किसी भी पसंदीदा व्हीकल को अपने सामने स्पॉन करवा सकते हैं एंड फिर उसके साथ तुम लोग आराम से इस पूरी सिटी में कहीं भी घूम सकते हो। एंड अब हम लोग यहाँ पे डायल करने वाले हैं इंडियंस बाइक ड्राइविंग थ्रीडी गेम के कुछ रैंडम कोड्स। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 300, तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी इस गेम की टार्जन कार। एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कितनी हाई ग्राफिक्स में क्या मस्त सी लग रही है। एंड वहीं अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 200, तो फिर लिटरली हमारे सामने स्पॉन हो जाएगा एक हॉर्स। एंड तुम लोग कुछ इस तरीके से इसकी राइड भी ले सकते हो, जो कि आई डोंट थिंक किसी और गेम में इतने स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ अवेलेबल है। एंड सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 4050, तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी एक न्यू अपाची बाइक। एंड हाँ, इस गेम में हमें एक और यूनिक चीज देखने को मिल जाती है, जो कि है कि अगर हम लोग इस गेम के कुछ कार्स के आगे 0 ऐड कर देते हैं, तो फिर हम लोग उनका मॉन्स्टर ट्रक वर्जन भी स्पॉन करवा पाएंगे। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पे डायल करता हूँ 0300, एंड अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो फिर से हमारे सामने स्पॉन हो चुकी है टार्जन कार, बट इस बार वो मॉन्स्टर ट्रक की तरह बड़े व्हील्स के साथ हमें देखने को मिल रही है। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डायल करता हूँ 4000, तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी इस गेम की पोर्शे कार। एंड अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 3x9, तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी यामाहा वी मैक्स बाइक। एंड इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 3x8, तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी यामाहा FZ10 बाइक। एंड इस गेम में तो हमें डुगाटी DIVL भी देखने को मिल जाती है, जिसका कोड है 3x7। एंड 3x6 डायल करके हम लोग यहाँ पे बैनरी TNT बाइक को भी स्पॉन करवा सकते हैं, बट यही अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 3x3, तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी एक स्कॉर्पियो क्लासिक कार। एंड अगर तुम लोग स्कॉर्पियो S11 कार को स्पॉन करवाना चाहते हो अपनी गेम में, तो फिर तुम्हें डायल करना होगा 3x4 एंड दैट्स इट, तुम्हारे सामने तुम्हारी कार स्पॉन हो जाएगी। एंड जैसे कि तुम लोग को ऑलरेडी पता ही है कि इस गेम की इस बड़ी सिटी के अंदर हमें एक एयरपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हमें एक येलो कलर का प्लेन भी देखने को मिलता है। एंड बात करें 5 डायल करके भी उसे कहीं भी स्पॉन करवा सकते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 1000, तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी इस गेम की फॉर्च्यूनर कार। एंड वही 2000 रोल्स रॉयस कार। एंड क्या तुम लोगों को पता है, इस गेम के अंदर हमें ट्रॉन बाइक भी देखने को मिल जाती है, जिसका कोड है बस 6000। एंड बस 400 डायल करके हम लोग स्पॉन करवा सकते हैं ZX10R बाइक को। बट क्या तुम लोगों को पता है, हमें इस गेम के अंदर एक पेट का भी चीट कोड देखने को मिल जाता है, जिसको स्पॉन करवाने के बाद उसका काम है हमें बस फॉलो करना। एंड उसके कोड की बात किया जाए, वो है 600। एंड ये देखो भाई, हमारा डॉग भी स्पॉन हो चुका है, बट अगर तुम लोग यहाँ पे डायल करते हो 4x1, तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी एक साइकिल। एंड डुक 1290 को स्पॉन करवाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे डायल करना होगा 4x8। एंड डुक 200 के लिए हमें यहाँ पे सिंपली डायल करना होगा 4x7। एंड बात किया जाए रेंज रोवर कार की, तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे डायल करना होगा 4x6। एंड दैट्स इट, हमारे सामने रेंज रोवर भी स्पॉन हो चुकी है। एंड सिर्फ यही नहीं, इस गेम के अंदर तो हमें घोस्ट राइडर बाइक भी देखने को मिल जाती है, जिसको स्पॉन करवाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे डायल करना होगा 4x5। एंड इस गेम में कोबरा बाइक को स्पॉन करवाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे डायल करना होगा 4x4।
तो अगर तुम लोग यहाँ पे स्पॉन करवाना चाहते हो बुगाटी वी टू को, तो सिंपली तुम लोग को यहाँ पे डायल करना होगा 800। एंड इस गेम की कोएग्जिस्टेंस कार को स्पॉन करवाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे डायल करना होगा 900। एंड सेम ही तरीके से ऑडी कार को हम लोग स्पॉन करवा सकते हैं जस्ट डायल करके 500। एंड अगर तुम लोग इस गेम के एनपीसी को इंक्रीज करना चाहते हो तो सिंपली तुम लोग यहाँ पे डायल कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। एंड अगर तुम लोग इंक्रीज करना चाहते हो इस गेम के ट्रैफिक व्हीकल्स को तो सिंपल ही तुम लोगों को यहाँ पे डायल करना होगा 5, 4, 3, 2, 1। बट अगर तुम लोग चाहते हो अपने गेम के अंदर लैम्बोर्गिनी कार को भी स्पॉन करवाना तो फिर तुम लोगों को सिंपल यहाँ पे डायल करना होगा जस्ट 4, 10, 3। एंड लैम्बोर्गिनी V2 को स्पॉन करवाने के लिए सिंपली तुम लोगों को यहाँ पे डायल करना होगा 700। एंड इस गेम में तो हमें यामाहा R15 बाइक भी देखने को मिल जाती है जिसका कोड है 0015। एंड सिर्फ यही नहीं, कुछ फ्यूल टैंक्स भी जिनका कोड है 00 एंड गैस टैंक्स का सिर्फ 0। बट अगर तुम लोग यहाँ पे डायल करते हो 4x0 तो फिर तुम्हारे सामने स्पॉन हो जाएगी एक्टिवा 4G स्कूटी। एंड कावासाकी निंजा H2R को स्पॉन करवाने के लिए सिंपली तुम लोग को यहाँ पे डायल करना होगा 3000। एंड पल्सर 200 को स्पॉन करवाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे डायल करना होगा 5000। एंड सेम चीज हायाबुसा के लिए, उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे डायल करना होगा 7000। एंड हाँ, इस गेम में तो हमें हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल जाता है जिसका कोड है 8000। एंड अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 9000 तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी एक स्प्लेंडर बाइक। बट वही अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 9090 तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी एक थार कार। एंड अगर हमने यहाँ पे डायल कर दिया 4x9 तो फिर हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी बुलेट बाइक। बट इस गेम में तो हमें ATV बाइक तक देखने को मिलती है जिसका कोड है 4x2। एंड एक न्यू KTM बाइक भी देखने को मिल जाती है जिसका कोड है 1190। एंड एक नॉर्मल डुग बाइक भी जिसका कोड है 4215। एंड बात किया जाए नॉर्मल KTM बाइक की तो उसका कोड है 1210। एंड इस गेम में तो हमें पल्सर बाइक भी देखने को मिल जाती है जिसका कोड है 1211। एंड इस गेम में तो हमें पुलिस के रूल्स भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें ना फॉलो करने पे वो भी हमारे पीछे पड़ सकती हैं। बट बात किया जाए पुलिस कार के कोड की तो वो है 100। एंड पुलिस SUV कार का कोड है 101। तो ये तो हो गए इस गेम के सारे के सारे व्हीकल्स के चीट्स कोड। तो और हमें इस गेम के अंदर दो टाइप के चैलेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं, एक है मेगा रैंप का एंड एक है फन ट्रैक जिसके अंदर हमें ट्रेन देखने को मिलती है। एंड बिलीव मी, ये दोनों ही चैलेंजेस मुझे पर्सनली खेलने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। बट एनीवेज चलो अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ इस गेम के कुछ यूनिक कोड्स के बारे में। जैसे कि अगर अब हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 1215 तो फिर हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं सुपर जंप। एंड 1216 डायल करके हम लोग लगा सकते हैं अल्ट्रा सुपर जंप। एंड इन्फिनिटी हेल्थ के लिए हमें सिंपली यहाँ पे डायल करना होगा 9129। एंड अगर हम लोग चाहते हैं स्काई फॉल करना तो फिर हमें सिंपली यहाँ पे डायल करना होगा 1120। तो फिर हम लोग ऑटोमेटिकली काफी ऊंचाई से नीचे तक गिरने लगेंगे। एंड वही अगर हम लोग यहाँ पे डायल करते हैं 1112 तो फिर हमारा पूरा गेम चेंज हो जाएगा स्लो मोशन में। एंड अगर मैं यहाँ पे डायल करता हूँ 7112 तो फिर हमारे पूरे गेम की ग्रेविटी कन्वर्ट हो जाएगी मून ग्रेविटी में। एंड दैट्स इट, इस गेम में हमें और भी काफी ज्यादा कुछ देखने को मिल जाता है, फिर चाहे वो स्टिकी बॉम्ब हो या फिर इस गेम के और भी काफी सारे वेपन। तो पर्सनली इस गेम को तो मैं काफी टाइम से ही प्ले कर रहा हूँ एंड मेरे जैसे 50 मिलियन से भी ज्यादा गेमर्स इस गेम को रोज ही प्ले कर रहे हैं। एंड अगर तुमने इस गेम को अभी तक ही प्ले नहीं किया तो फटाफट से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसे अभी प्ले करो। एंड अगर इस वीडियो को तुमने थोड़ा सा भी एंजॉय किया है या फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर देना। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट।